तो किसान भाई, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने किसान का बेनिफिशियरी स्टेटस आपके सामने ओपन कर रखा है। अगर आप इस योजना में जुड़े हुए किसान हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम पीएम किसान योजना से रिलेटेड पूरी जानकारी दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस किसान को पहले 2 किस्तें मिली है, उसके बाद इस किसान को पैसा मिलना बंद हो चुका था। यहाँ पर पहली किस्त 24/8/2020 को मिली है, दूसरी किस्त 23/12/2020 को मिली है, उसके बाद इस किसान को एक भी पैसा पीएम किसान योजना के तहत नहीं मिला है। अब यहाँ पर आगे जो तीसरा और चौथा और पांचवा इंस्टॉलमेंट है वहाँ पर पेमेंट प्रोसेस लिखा रहा है और इस किसान को पैसा मिलना बंद हो चुका था, लेकिन अभी इनका पेमेंट प्रोसेस आ रहा है। पहले यहाँ पर वेटिंग फॉर अप्रूवल आरएफटी और पेमेंट प्रोसेस आ रहा है। तो फाइनली दोस्तों आज इनका पीएम किसान योजना का एक किस्त इसके खाते में आ चुका है और बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहले 2020 को जो किस्त मिली थी उसके बाद इसका फॉर्म या तो किसी कारण से रिजेक्ट हो गया था, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसी गड़बड़ी जिसकी वजह से इसको पैसा नहीं मिल पाया था। अगर आपके भी कोई किस्त ड्यू रह चुकी है, आपको पहले पैसा मिल रहा था, बीच में पैसा मिलना बंद हो चुका है, तो अब अगर आपका जैसे आप सुधार वगैरह करवाओगे या फिर आपकी कोई भी गलती नहीं है, बिना कोई गलती के पैसा रुक चुका है, तो वो आपका पीछे का ड्यू पैसा आपको ज़रूर मिलेगा। और जिन किसान भाइयों का सवाल था कि हमारा पेमेंट प्रोसेस लिखा रहा है, हमें किस्त कब मिलेगी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस किसान की 3 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट प्रोसेस लिखा रहा है और 1 इंस्टॉलमेंट का पैसा आ जा चुका है और बाकी 2 इंस्टॉलमेंट का जो पेमेंट प्रोसेस लिखा रहा है उनका भी पैसा धीरे धीरे आ जाएगा, या तो पहले आ चुका है या फिर अब आगे आ जाएगा। जिन किसान भाइयों को पेमेंट प्रोसेस लिखा रहा है उन किसानों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है और धीरे धीरे इस योजना का पैसा है वो जिनका ड्यू रह चुका है वो दिया जा रहा है। अगर आपका भी कोई किस्त ड्यू है और उसमें पेमेंट प्रोसेस तक का प्रोसेस हो चुका है, पहले यहाँ पर वेटिंग फॉर अप्रूवल आएगा, उसके बाद आरएफटी साइन बाय स्टेट आएगा, यानी आपकी जो राज्य की तरफ से जांच कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद पेमेंट प्रोसेस आ जाएगा। अगर आपकी भी कोई किस्त ड्यू है, अगर आप एक नया आवेदन करे हुए किसान हैं, अगर आपने नया आवेदन किया है, अब आपका पेमेंट प्रोसेस हो चुका है पहली किस्त में, तो वो भी आपको पैसा कभी भी मिल सकता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए इस किसान का पेमेंट प्रोसेस लिखा हुआ तीसरे इंस्टॉलमेंट में और आज इसका पैसा भी इसके बैंक खाते में आ चुका है, जैसा कि यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आज का स्क्रीनशॉट है, 12:13 को इसका पैसा मिला है, डीबीटी पीएम किसान इंडिया पीएम किसान, और यहाँ पर लिखा हुआ है आधार पेमेंट, यानी अभी सभी का आधार बेस पेमेंट ही किया जा रहा है। पहले उस किसान का जो पैसा रुका हुआ था, हो सकता है उसका जो पहले अकाउंट बेस पर पैसा आ रहा था उसमें कोई प्रॉब्लम हो, जैसे आधार बेस पेमेंट हुआ तो इसका रुका हुआ सारा पैसा इसको मिल रहा है। जैसा कि यहाँ पर इसका जो पेमेंट प्रोसेस लिखा रहा था बेनिफिशियरी स्टेटस में, वो इंस्टॉलमेंट इसको मिल चुका है। और यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं 2000 रुपये क्रेडिट ऑफ योर अकाउंट नंबर यहाँ पर दिए गए हैं, अकाउंट नंबर दिए गए हैं 23/9/2022 को, इसके 2000 रुपये इसके बैंक खाते में क्रेडिट हो चुके हैं। तो बहुत सारे किसानों के मन में सवाल है कि ये तो ड्यू किस्त है, लेकिन पीएम किसान योजना की अगली किस्त का जो किसान इंतजार कर रहे हैं वो अगली किस्त कब जारी होगी, यानी पीएम किसान योजना की 12वीं किस्त कब जारी होगी। तो 12वीं किस्त मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसी महीने जारी होने वाली है, लेकिन अभी तक फाइनल तारीख और फाइनल ऑफिशियल जो घोषणा होती है वो नहीं हो पाई है, उसी का इंतजार सभी को है। तो मैं आपको जल्द ही फाइनल घोषणा होती है वीडियो बनाकर आपको अपडेट दूंगा। हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ही कोई घोषणा होती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन अभी तक ऑफिशियल घोषणा का इंतजार हम कर रहे हैं। वीडियो को भी लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ही कोई अगली किस्त की घोषणा होती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। 12वीं किस्त बहुत ही जल्द आने वाली है।